मुझे एक एक्ट्रेस से मैंने इंटरव्यू किया रिसेंटली, उन्होंने कहा अक्षय इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज हीरोइंस, जबकि हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत प्रैंक्स करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं. प्रैंक भी करते हैं और प्रोटेक्टिव भी है. थैंक गॉड शबाना में कोई प्रैंक नहीं था, मतलब बट डेबी के टाइम पर उन्होंने छोटा सा कोई प्रैंक किया था मेरे ऊपर, बट ही इज प्रोटेक्टिव. इन दिस केस ही हैज टू बी प्रोटेक्टिव बिकॉज ही इज नॉट जस्ट द एक्टर इन द फिल्म बट ही इज प्रोड्यूसर. उन्होंने क्या किया था बेबी के टाइम? बेबी के टाइम पे वो एक अपने स्टाफ मेंबर को असाइन कर दिया, जहां से वो जहां बैठी थी उसके आसपास से वो क्रॉस करता था और जरा सा वाटर स्प्रे मेरे मुंह सिर पे मार देता था. तो मैं ऊपर देख रही थी कि एसी लीक कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है इधर इस रूम के अंदर. तो मैंने चार पांच जगह बदली और फिर भी मेरे सिर पे स्प्रे आ जाए, और मुझे ना थोड़ा मैं हिंट हुआ कि अक्षय सर कर रहे हैं. तो अक्षय जगह देखो मेरे पे डाउट है, तू आके मेरे पास बैठ जाए, मैं इतनी दूर बैठा हूँ तेरे से कैसे होगा. मैं वहां जाके बैठ के उनको ऊपर नीचे चेक कर रही हूँ और उनके पास कुछ वाटर वाला नहीं था. उस टाइम इतना मैंने कहा मैं तो पता करके रहूंगी क्या हो रहा है. हाँ तो पर मुझे नहीं पता चल पाया. थोड़ा टाइम बाद मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने मुझे बताया कि इन्होंने अपने स्टाफ को डिसाइन कर रखा है कि मतलब वो जब भी मेरे को क्रॉस करता है वो हमका सा ये पिचकारी सी मार देता है मेरे सिर के ऊपर. और वो गुड आधा घंटा मैं इतने स्ट्रेस में थी, ये पानी कहाँ से लीक कर रहा है मेरे सिर के ऊपर. तो वो अच्छे तरीके से प्रैंक्स प्ले कर सकते हैं. अक्षय के साथ अगर कुछ सीन्स आपने किए हैं या फिर तो उनसे कुछ टिप्स ले सके, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा शायद एक्शन करना पड़ा. सो व्हाट वाज देयर सम गाइडेंस फ्रॉम हिम? उनसे दो चीजें डायरेक्टली जो मैं हमेशा सुनने को मिलती थी और वो पूछते थे, एक तो तू इंजॉय कर रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम कर रहे हो उसको इंजॉय कर रहे हो, वरना वो स्क्रीन पर दिखता है कि आप अगर नहीं इंजॉय कर रहे. दूसरा वो पूछते थे कि सेफ्टी, मतलब हर क्योंकि अगर तुम ये कर पा रहे हो तो अभी अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि वरना आगे नहीं कर पाओगे ये चीज. उन्होंने क्या और आपने कहा कि वो रिपोर्ट कार्ड भी बराबर लेते हैं कि कैसा किया. सो एज अ प्रोड्यूसर उनका कैसा रवैया रहता है? वो बहुत प्रोटेक्टिव है. एज अ प्रोड्यूसर ही विल ऑलवेज मेक श्योर, ही ऑलवेज टेल्स मी कि आई एम देयर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी, इफ यू हैव एनी इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी. सो वो हमेशा शुरू से लेके एंड तक बोलते आए हैं. प्रमोशन शुरू करने से पहले, पिक्चर की शूटिंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने मेरे को बिठा के मुझसे बात करी थी कि एज अ प्रोड्यूसर आई विल ऑलवेज बी देयर टू बैक दिस फिल्म अप, बट दिस इज योर फिल्म एंड आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड टू यू नो हेल्प इन द प्रमोशंस, बट इट इज योर फिल्म. सो इतने मतलब वो ऐसे हैं कि गिरूंगी तो संभाल लेंगे. फॉर ऑल द बॉलीवुड अपडेट्स watchjagran.com.